विपरीत परिस्थिति तथा व्यक्तिगत संघर्ष सत्वे एमाने सृष्टि करती त्याग एवं समर्पण नुआ परिभाषा समस्त अपजस अवधारणा एवं प्रतिकूल को टपी से सृष्टि करती नुआ कीर्तिमान एभली एक चरित्र माता हरि नारी रही अनेक अपजस किए कहे से पृथ्वीर प्रथम स्ट्रीप डांसर पुणी आउ किए कहे से जड़े प्रसिद्ध गणिका किंतु इतिहासकार मतरे सन्देह और अपजसर कुहेलिकार एपर्यंत बाहरी पारिनि प्रकृत व्यक्तित्व राष्ट्रभक्ति भरा माताहरि प्रकृत चेहरा कामुक कारनामे भरा हरकत भावभंगी सम्मोहनर शक्ति जौवनर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन सम्मोहन करदे भली आखि से एमती एक व्यक्तित्व जी मंचरे थिले दर्शकों हृदय लागि जाउथिला निया से उत्तेजक अश्लील और असड़ शयन कक्षरे से थिले अति महंगा से थिले मनोरंजन रो भरपूर भंडार किंतु राजनीति और कूटनीति लगी से थिले एक बड़ मोहरा सौंदर्य और संदेहर एक नियारा मिश्रण थिले से कहुए हुए तो से नथिले भिन्न प्रकार लेखा जाता इतिहास अलग प्रकार होता प्रथम विश्वयुद्धर फलाफल जड़े साधारण महिला हो भी असाधारण अविश्वसन उदाहरण सृष्टि कर महिला हेले माताहरि जिते भी जड़े महिला गुइंदा धरा पड़ते से माताहरि संज्ञा दि जाए शहे वर्ष पूर्व यह ब्यूटी क्वीन जनक सारा विश्व चहल पकड़ दुईटी चरित्र जड़े अर्धनग्न नर्तकी और गुइंदा व्यक्तित्व थिला अतिमात्रे आकर्षक किंतु एकदम अविश्वसनीय टार्गेट थिले प्रमुख कूटनीतिज्ञ और बड़ बड़ सामरिक अधिकारी माताहरि गोटे राति बीतने व्याकुल गोटे राति ही बदल गोटे गोटे देशर भाग्य बदल इतिहास मोड माताहरि बुड़ियाणी जाल में धरा पड़ुले एभली अनेक माछी जो मान मुकुलिबा मुस्किल थेला प्रथम विश्वयुद्ध समय माताहरि सृष्टि करते मित्र सेना मध्य आतंक अभियोग हुए से जड़े डबल एजेंट अर्थात केवल जर्मानी पर नुहे से फ्रांस लगे भी गुइंदागिरी करुले प्रथम विश्वयुद्ध समय रे जर्मन गुइंदा बाहिनी रे तांको कोड नेम थिला एजेंट एच 21 निज मिशन रे अनेक फरासी अधिकारी को टार्गेट करथिले माताहरि हासिल करथिले अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य तांको शिकार थिले अनेक सेनाधिकारी और कूटनीतिज्ञ किंतु वर्षे काल तांको पीछा करिवा परे फरासी पुलिस तांको प्रथम थर धरिथिला किंतु गुइंदागिरीर टिके भी प्रमाण पाइनथिले फरासी पुलिस फ्रांस रे थिबा समय रे तांकर प्रेम हुए जने रूसियो जुब पायलट को सह जहां से निज जीवन रे सबुठ गुरुत्वपूर्ण स्थान दियंती फ्रांस रो युद्ध क्षेत्र रे संपृक्त पायलट गुरुतर आहत हुंती देखा करने को माताहरि को छड़ा जाए गोटे सर्त रखा जाए आगे ताला जर्मानी जा फ्रांस लगे गुइंदागिरी करार अफर तुरंत यह ग्रहण करती माताहरि प्रेमिक को देखा करने से चली जाती फ्रांस बाहर को स्पेन रु ब्रिटेन को जाता बेले ब्रिटिश स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस द्वारा धरा हुई प्रमाण अभाव पुणी मुकुलती से माद्रिद को जाती जर्मन अधिकारी गुप्त तथ्य जोगाई चली था किंतु जन जर्मन अधिकारी रेडियो मेसेज को इंटरसेप्ट कर जन जर्मन एजेंट फरासी सेना बाहिनी संपर्कित केतक गुरुत्वपूर्ण तथ्य जर्मन अधिकारी पाथ्वा संपर्क में जापारती फरासी अधिकारी से एजेंट जनक था एच 21 माने माताहरि 13 फेब्रुआरी 1917 माताहरि को गिरफ्त करा जाए पेरिस होटेल रूम विरोध में जर्मन गुप्ततर होवार अभियोग अणा जाए किंतु कौन से ठोस प्रमाण मिले केवल रूम्रु मिलता गुप्त काली आधार में दोषी सब्यस्त कराए गुली मारी हत्या करने को निर्देश मिले
निज मृत्यु दिन भी से सबुठु सुंदर बेशरे सजई होंती। दंड प्रदान समय रे तांको आखी को पट्टी न बांधी खोला छाड़ीबा को अनुरोध करंती। शेषे निज घातक सैनिक मानक आखिरे आखि मिलाई से निज अंदाज रे फ्लाइंग किस देवापे से गुड़ में टली पड़ते माता हरि। शेष पर्यंत निज देश लगी समर्पित भावना सह टली पड़े माता हरि देह। ठीक 100 वर्ष तले शेष हो जाए एक समर्पित राष्ट्रभक्तर जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। केवल तांकर सामाजिक जीवन नुहे माता हरिंकर व्यक्तिगत जीवन भी थिला बेस रोमांचकर। पिलादिनर प्राचुर्य जौवनर चपलता और निसंगता पुणी ऐश्वर्य प्रेम प्रतारणा राष्ट्रभक्ति भरा तांकर रहस्यमय यात्रा थिला बेस रोमांचकर। माता हरि यहा तांकर प्रकृत ना नुहे। तांकर प्रकृत ना हेउछि मार्गरेटा ग्रिटुडिया जेले। 7 अगस्त 1876 रे से जन्म नहीं तत्कालीन पोलैंड न्यूवार्डेन ने प्राचुर्यपूर्ण थिला पिलादिन जहाँ नष्ट पिलादिने धनी बापा तांको गोटे छेली टणा गाड़ी उपहार देते जो थे बस से घूरी बुलुले सारा सहर किंतु ए प्राचुर्य बेसी दिन रहिला नाही। मात्र 13 वर्ष बयस बापा देवाड़िया होइगले माँ असुस्थ होइगले बापा माँ को विवाह विच्छेद होला माँ मरीगले आउ बापा अन्य जन को बाहा होइगले। सतर वर्ष बयस एक बोर्डिंग स्कूल ले थिबा बेले तांकर रंगीन मिजाज रो प्रथम परिचय पदाक आसिला। निज प्रिंसिपाल को सह तांकर अफेयर्स थिला कौल बयसरु से भल भाव जानी पाखरे रही सबुठ बड़ अस्त्र जौवन जहाँ आगकु जीवन यात्रा रे निर्णायक भूमिका नेब। से जीवन जीवा लगी जर्मानी चली आसिले। जर्मानी आम्स्टरडाम रे जीवन थिला एकदम निसंग एथिरु मुकुलिबा लगी बाट खोजुवा बेले से खबरकगज विज्ञापन रु देखि डच सेनाधिकारी रुडोल्फ मैकडाल को बहुत करती। इंडोनेशिया जाभारे निजुक्त रुडोल्फ किंतु थिले अत्यंत बदमिजाजी। तांकर अधिकांश समय मद और गणी कालय कटुला उभयंकर सेतेबेळकु गोटे पुओ और गोटे झियो जन्म नहीं सारीथिले किंतु संपर्क आउ मधुर नथिला। अनेक समय रुडोल्फ को मारपीटर शिकार होउथिले मार्गारेट। एही समय रे से जाभार मंदिर शैली नृत्य शिखिबाकु लागिले एहा तांकु किछि परिमाण रे सांत्वना देला। रुडोल्फ थिले सिफिलिस आक्रांत अजणा रोग रे प्रथमे पिला और परे परे सिफिलिस रे प्राण हरैले रुडोल्फ। तापरे मार्गारेट चली आसिले प्यारिस सेठारे से किछि दिन न्यूड मॉडलिंग और ऑर्केस्ट्रा रे किछि समय लागि काम कले किंतु तापरे से नर्तकी भावे काम करबा आरंभ कले। उन्नीस सौ 5 मसीहा प्यारिस 600 दर्शकों आगरे प्रथम थर माता हरि नारे एक नियारा नृत्य प्रदर्शन कले मार्गारेटा किंतु यह केवल नृत्य नथिला बरम उत्तेजक अश्लीलतारे भरा एक अभिनय थिला जहा हला सुपरहिट। आउ मार्गारेटा सबुदिन पई पालटी गले माता हरि। अश्लील नृत्य शिल्पी माता हरि केवल प्यारिस नुहे पालटी गले यूरोप्र सुपरस्टार। तबे निज संपर्क रे जानी सुनी अनेक रोचक मनगढ़ा कथा प्रचार भी कराइले माता हरि। तापरे से धनी और संभ्रांत लोकों घरे प्राइवेट पार्टी रे सेवा मध्य जोगाइले। से प्रचुर अर्थ रोजगार कले आउ प्रचुर परिमाण रे खर्च भी कले। कुहा जाए तांको प्रसिद्ध अंतवस्त्र रे खचित थिला अनेक बहुमूल्य हीरा और रत्न पथर। माता हरि स्टारडम अधिक दिन रहिला नाही। 1908 बेलकु तांको स्टाइल को नकल करिबा आरंभ करिदेले अनेक नर्तकी। किछि दिन परे से बर्लिन को चली आसिले। 1914 रे प्रसिद्ध मेट्रोपोली थिएटर 2,20,000 डॉलर रे तांको 6 मास लगी अनुबंधित कला किंतु मासक परे आरंभ होइगला प्रथम विश्वयुद्ध। तांकर बैंक अकाउंट फ्रीज होइगला। एजेंट तांको पाउणा देबाकु मना कले से कंगाल होइगले। एही समय रे माता हरि जीवन नेला नुआ मोड़। जणे जर्मान कूटनीतिज्ञ
ତାଙ୍କୁ $50,000 ବିନିମୟରେ ପ୍ୟାରିସକୁ ଯାଇ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବାକୁ ଅଫର ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରିର ଖତରନାକ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ମାତା ହରି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବା ଲାଗି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଭାରତ ସହ ମାତାହରିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଭାରତରେ ବି ଜଣେ ମାତାହରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଠିକ ତା ପରେ ପରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଜନ୍ମ ୟୁରୋପରେ କିନ୍ତୁ ନା ଭାରତୀୟ। ୟୁରୋପୀୟ ହେଲେ ବି ମାତାହରିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା ଭରପୁର ଭାରତୀୟତା। ଅଧିକାଂଶ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ସହ ତାଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମାତାହରିଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୋଲାଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟିଥିଲା ୟୁରୋପରେ। କେବଳ ଜୀବନର ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସେ କଟାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭାରେ। କିନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଭାରତୀୟ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭଳି ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ଗହଣାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟତାର ଛାପ। ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଭଳି ସେ ହାତ, ପାଦ, ଅଣ୍ଟା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗହଣାମାନ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ସେ ଭାରତୀୟ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ମାତାହରିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭାରତରେ। ସେ ଏକ ଦେବଦାସୀଙ୍କ ଝିଅ। ସେଠାରେ ସେ ମନ୍ଦିର ନୃତ୍ୟଶାଳାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ୟୁରୋପକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଭାରତକୁ ଆସିନଥିଲେ ମାତାହରି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଜାଭା ଏବଂ ସୁମାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଦେହରୁ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ଭଙ୍ଗୀ ଶିଖିଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜ ନୃତ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ସେ ନଟରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭାରତୀୟ ନ ହୋଇ ଭାରତ ନ ଆସି ବି ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଇନ୍ଦାଙ୍କର କଥା କହିବୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ସାହସିକତାର କାହାଣୀ ବି ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର। କେବଳ ଭାରତ କି ବ୍ରିଟେନ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ମାନିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ବିଚଳିତ କରିପାରିନଥିଲା ଜର୍ମାନ ସେନାର କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାର। ସେ ଥିଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ବଂଶଜ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ନୂର ଇନାୟତ ଖାନ। ନୂର ନୋରା ନାଡେଲିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ। ବେଶ ବଦଳାଇବା ପରେ ସେ ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ରାଜା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବଂଶଜ। ଏଭଳି ଏକ ବୀରଙ୍କ ବଂଶଜ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ବହୁଥିଲା ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମର ରକ୍ତ। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଭାରତୀୟ ନୂର ଇନାୟତ ଖାନଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରି ଲେଖିଥିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ। 1 January 1914 ରୁଷିଆରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାପା ଭାରତୀୟ, ମା ଆମେରିକୀୟ। ପ୍ରଥମେ ଲଣ୍ଡନରେ ପରିବାର ସହ ରହିବା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ ମେଡିସିନ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। 19 November 1940 ନୂର ମହିଳା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ନୂରଙ୍କ ଗୁଇନ୍ଦା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1942ରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେଡିଓ ଅପରେଟର ଭାବରେ ପ୍ୟାରିସର ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ଏଭଳି ପଦ ପାଇବାରେ ନାଜି ଅଧିକୃତ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ଏହାପରେ 1943ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ନୂର। ସେ ପ୍ୟାରିସରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଫିଜିସିଆନ ନେଟୱର୍କରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ରେଡିଓ ଅପରେଟର୍ସଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ଜର୍ମାନୀ। ନୂରଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି।
सेठारे थिबा जर्मन सेना नजरु पंची जाइतिबा अन्य रेडियो ऑपरेटर को सह ब्रिटेन को खबर पठाइबा जारी रखंती। सेतेबेले सर्वाधिक 20 मिनिट पर्यंत वायरलेस द्वारा संवाद देबारे सक्षम होउथिले नूरी नायक। तबे सिग्नल धरा पड़ी जिबा भय जोगु प्रति मुहूर्त रे से निज ठिकणा बदलाउथिले। 25 नवंबर 1943 प्यारिस हेडक्वार्टर्स रु फसी जाउथुबा बेले धरा पड़ी गले नूर। 27 नवंबर 1943 रे तांको जर्मनी निया जाए। जर्मनी रो फर्जेम जेल रे रखा जाई तांको उपरे करा जाए अकथनीय अत्याचार। जेते पचारिले भी से मुह खोली नथिले। 10 मास धरी तांको उपरे करा जाए अत्याचार। 11 सेप्टेम्बर 1944 रे नूर तांको 3 साथी को निया जाए डकाउ प्रताड़ना शिविर जेउठी 13 सेप्टेम्बर 1944 रे तांको गुड़ी करी हत्या करा जाए। प्रथमे तांको 3 साथी को मुंडेरे गुड़ी मारीबा परे नूर को गुप्त तथ्य संपर्क रे पचरा जाए किंतु कौनसी भी अत्याचार तांको मुह खोलिबार असमर्थ थिला। एपरिकी तांको ना जानिबारे भी सफल हेलानी जर्मन सेना। शेषे मुंडरे भी गुली मारे जर्मान। मृत्यु बेले भी मुहरे शेष शब्द थिला स्वतंत्रता। तांकर साहसिकता पाई लंडन रे गार्डन स्क्वायर तांकर प्रतिमूर्ति स्थापन होई छि। ब्रिटेन रे स्थापित होइतिबा कोनोसी भारतीय महिला प्रथम प्रतिमूर्ति। केवल गुइंदागिरी की साहसिकता नुहे कला संगीत साहित्य क्षेत्र में भी तांकर अवदान अतुलनीय। जने महिला को एभली दक्षता भिन्न भिन्न क्षेत्र में एभली पारदर्शिता तांकु विश्व इतिहास रे करिछि अमर अतुलनीय। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। पृथ्वी इतिहास रे जन्म नेछंती अनेक माताहरी एमानंक भितरु अनेक इतिहास अलोड़ा पृष्ठ से हजि जामी कि माताहरी संपर्क में जाना एक छोट ब्रेक पर। ब्रेक पर स्वागत। इतिहास सबुबले मन पक से निज देश हो बा शत्रु देश निज बुद्धि साहस और चतुरतापाई से आज भी चर्चित कहीं साइलेंट किलर कहते तो आउ की कहती लेडी जेम्स बॉन्ड। आसंतु नजर पकाइबा विश्वर सेमिति किछि चर्चित महिला गुइंदांकर साहसिकतार कहानी उपरे। सेमानंक आगरे फीका पड़िबे जेम्स बॉन्ड। सिनेमार परदारे नुहे वास्तव जीवन रे एमानंकु मिलिछि सफलता। अवश्य सेमाने जो कारनामा करी देखाई छंती सेतिरे रिटेक रो सुविधा नाही। टिकी असावधानता ओ भूल रो अर्थ मृत्यु। से पुणी साधारण मृत्यु नुहे असह्य जंत्रणा ओ कष्टदायक। किंतु आमे एबे विश्वर जो महिला गुइंदा कथा कहिबाकु जाउछु सेमाने निज देश पाई निज जीवन को बाजी लगाई देछंती। महिला गुइंदांक कथा आसिले जेउ केते जणक ना प्रथमे मन को आसी थाए ता मध्यरे बड़ ना हेउछि अंडरकवर एजेंट नान्सी वेक। कोड नेम द व्हाइट माउस। निज चतुरता साहसिकता ओ छळ पई तांकु मिलिथिला एभळी ना। तांको कारनामा सुनिले आपण भी तांको विषय रे आउ थरे भाविबा को बाध्य हेबे। द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे तांकर भूमिका थिला गुरुत्वपूर्ण। न्यूजीलैंड रे जन्म नैथिबा एही सांबादिक फ्रांस पई जर्मनी विरोध रे गुइंदा काम रे नियोजित थिले। जर्मनी चेकपोस्ट दे से साइकल रे यात्रा करथिले 300 माइल। निज सिक्रेट कोड को बदलाइबा को से एभली करबा को बाध्य हेले
कारण जर्मान सेनार चढ़ाऊ बेले वायरलेस ऑपरेटर कोड गुड़ी को नष्ट कर दैथिले। तांको सूचना परे ही जाइथिला जर्मानी 1400 सैनिकों जीवन से तो सेतेबेले तांको मुंडरे थिला 5 मिलियन फ्रांक राशि पुरस्कार। 1943 रे सफलतार सह जर्मान रु खसी आसीबारे सफल होइथिले से जहाँ परे तांको ब्रिटेन रे मिलिला स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव पद। वर्जिनिया हल कोड ना डाइन जर्मान को पाई आर्टेमिस द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे अमेरिकार अन्यतम श्रेष्ठ गुइंदा शत्रु को पाई से थिले जमदूत। से एक दुर्घटना रे निजर बाम गोड़ हराइथिले किंतु एहा तांकु रोकिबारे सफल होइ नथिला। से ब्रिटेन रो सैनिकों पाई मैप जोन करिबा सह सेवानंकर सुरक्षा पाई करूथिले स्वतंत्र व्यवस्था। लाइस डे बाइसाक कोडना ओडिले कहा जाए द्वितीय विश्वयुद्ध समय से हेउछंती नायिका। 24 सेप्टेम्बर 1942 रे से सही प्रथम महिला गुइंदा मानंक मध्यरु थिले जहां को फ्रांस निज सेनारे सामिल करिथिला। लाइस को दायित्व थिला निज एजेंट को पाई सुरक्षित स्थान चयन करिबा जेउठी पूरा सुरक्षा सह ब्रिटेन और फ्रांस रो एजेंट रही परिबे। एथिपाय तांको ब्रिटेन और फ्रांस सरकार को पक्षरो मिलिछि अनेक सम्मान और पुरस्कार। तबे द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे कहिंकि आजिर समय रे भी महिला गुइंदा निजर कमाल देखाइछन्ते। सेमिति एक परिचित ना हेउछि रुसियार आना चापम्यान। 2010 रे अमेरिका रे गुइंदागिरी अभियोग रे गिरफ होई चर्चा को आसीथिले आना। अर्थनीति रे स्नातकोत्तर परे 2001 रे जड़े ब्रिटिश नागरिकों सह विवाह जहां कि तांको ब्रिटेन रो नागरिकत्व सह पासपोर्ट देबारे सहायक हुए। यहां परे से अमेरिका जाई बहु गुरुत्वपूर्ण तथ्य रूसिया को पठाउथिले जेउथि पई तांको गिरफ करथिला एफबीआई। गुइंदा हस्तांतर आईन अनुजाई से रूसिया फेरिबा को सफल हेले जेउठि तांकु तांक साहसिकता पई रूसिया रा सर्वोच्च पुरस्कार रे सम्मानित करागला। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। त्याग उपलिदान सबुबेले प्रशंसित हुएनी। इतिहास रो अनालोचित पृष्ठा रे एमिति अनेक चरित्र ओ अनेक कहानी लुचि जाय किंतु पृथ्वी रे एमिति अनेक माताहरी जन्म नियंति जो माने व्यक्ति चरित्रर ऊर्ध्व को जाए सृष्टि करती राष्ट्रीय चरित्रर नुआ उदाहरण अनुप्रेरित करती परवर्ती अनेक पीढ़ी को। स्पेशल रिपोर्ट को एट रखा। नमस्कार।